कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देश में जातीय जनगणना कराए जाने के संदेश और बड़ी मांग को जन जन तक पहुंचाने के लिए सीतापुर के तैलिक समाज के लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया। सीतापुर के उत्सव गेस्ट हाउस में तैलिक महासंघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह एवं जातीय जनगणना एक परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने आए हुए लोगों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के संरक्षण में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, विशिष्ट अतिथि IPF के राज्य सचिव डॉक्टर ब्रजबिहारी एवं कांग्रेस के सीतापुर जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने भी तैलिक समाज के लोगों को संबोधित किया और जातीय जनगणना पर गहन चर्चा हुई। मुख्य अतिथि धीरज गुर्जर ने जातीय जनगणना को देश में जरूरी बताते हुए कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जातीय जनगणना के पक्षधर हैं, जिससे समाज की मुख्यधारा में पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तैलिक समाज को सम्मान देने का काम किया है और राजस्थान में तैलिक साहू बोर्ड का गठन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तैलिक समाज का आभार व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। जिस व्यक्ति ने गरीबों की, किसानों की और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया, उनके संकल्प को ताकत देने का काम सीतापुर के मतदाताओं और आप सबने किया, इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता दिनेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित तैलिक साहू समाज के सभी पंच पटेल और वरिष्ठ पदाधिकारी, इस मंच पर उपस्थित सीतापुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उत्कर्ष जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे साथ में सभी आए हुए कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित मीडिया के तमाम बंधुओं, साथियों, मैं तो राजस्थान से आता हूँ और आज भी मुझे याद है, आज के लगभग 1.5 साल पहले राकेश राठौर जी और बबलू जी मेरी विधानसभा के अंदर ही मेवाड़ तेली साहू समाज का सम्मेलन था और उस सम्मेलन के अंदर पूरे मेवाड़ के तेली समाज के लोग आए थे और वहां पर इकट्ठा होकर उन सब लोगों ने मुझसे दो मांग करी थी कि एक तो राजस्थान के अंदर तेली साहू समाज का बोर्ड का गठन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अशोक गहलोत जी करें, और हमारा सौभाग्य था कि राजस्थान में उस समय पर अशोक गहलोत जी के रूप में एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो माली समाज से आते हैं, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और उससे ऊपर उनके साथ हाथ का निशान था, जो ये कहता है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए। और 5 जुलाई 2022 को, 2023 को राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने तेली साहू बोर्ड का गठन करके आपके समाज को सम्मान देने का काम किया, और मुझे पता नहीं था कि उसी समाज के एक बेटे को राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी सीतापुर से अपना उम्मीदवार बनाएगी और आपके आशीर्वाद के स्वरूप से उनको सांसद बनने का मौका मिलेगा। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, हर प्रदेश के अंदर जाति का नाम लगभग वही रहता है लेकिन कुछ ना कुछ काम बदल जाता है। राजस्थान में आप आज भी जाओगे तो तेली समाज के भाइयों को कोलू चलाते हुए, हमारे यहाँ गाड़ी कहते हैं उसको, गाड़ी चलाते हुए और गाड़ी से तेल निकालते हुए और लोगों के मन में ये गारंटी रखते हुए कि अगर तेली की गाड़ी से तेल निकला कर लाएंगे तो उसमें मिलावट नहीं होगी, हमको शुद्ध माल मिलेगा। इसी तरह से इस सीतापुर की गाड़ी से जो राकेश राठौर निकल के हिंदुस्तान की पंचायत के अंदर पहुंचा, सबसे बड़ी लोकसभा के अंदर, तो पूरी शुद्धता के साथ पिछड़ों का और पिछड़ों का काम करेगा, ये बात आपके विषय में कहने के लिए आना है। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में ये स्वर्ण काल है। स्वर्ण काल इसलिए नहीं क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री है, स्वर्ण काल इसलिए है कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक नेता जिनका नाम राहुल गांधी है, जो अपने सीने पे नफे और नुकसान को भूल के, घाटे और लाभ को भूलकर ये बात कह रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को अगर न्याय देना है तो जातीय जनगणना जरूरी है, ताकि ये पता लग सके कि कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन आदिवासी है, किसकी कितनी भागीदारी है, और जिसकी जितनी भागीदारी है उसको अगर कोई हिस्सेदारी दिलाएगा तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उसका परिणाम आप देख लीजिए, आज आपके प्रदेश के अंदर
हमारे अपने राहुल गांधी जी ने ये कहा कि पिछले वर्ग के राकेश राठौर जी को टिकट दीजिए, टिकट या किसी और का हुआ था। मुझे आज भी याद है कि आदमी जब अपना काम सच्चे मन से करता है ना, राठौर साहब का फोन आया मेरे पास। मैंने कहा राठौर साहब आप भी मेरे इतने ज्यादा पैसे वाले नहीं हो, चुनाव कैसे लड़ोगे। इन्होंने मुझे कहा कि एक ही मकान है भाई साहब, मकान बेच दूंगा लेकिन चुनाव जरूर लड़ूंगा। मैंने कहा आपको चुनाव लड़ने की इतनी इच्छा क्यों है। इन्होंने कहा कि जब तक मेरी कलम के अंदर शाही नहीं होगी और उस शाही के अंदर जनता की ताकत नहीं होगी, तब तक मैं पिछड़ों को सम्मान और उनका न्याय नहीं दिला पाऊंगा, इसलिए मेरा चुनाव लड़ना जरूरी है। स्वजाति बंधुओं को संबोधित करते हुए सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने कहा कि वह अपने नेता राहुल गांधी के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए लोगों के बीच जाकर जाति जनगणना के महत्व को बता रहे हैं। सांसद राकेश राठौर ने कहा कि आप लोगों ने मुझे अपना अपार आशीर्वाद और स्नेह देकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। आप सब अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और आप जब भी मुझे याद करेंगे आपके साथ मैं हमेशा खड़ा मिलूंगी। साथ ही उन्होंने टिकट न मिलने के बाद कैसे उनका टिकट फाइनल हुआ इसका भी खुलासा किया। मैं राजनीतिक यौवन में घूम रहा था और लोगों ने कयास लगाना, विरोधियों ने कहना चालू कर दिया कि उनका कुछ नहीं होगा। उस समय हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, हमको दिनेश जी का साथ मिला, कांग्रेस पार्टी का साथ मिला, धीरज जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला। मुझको बात बहुत अच्छी तरीके से याद है, यहाँ किसी दूसरे का नाम आ गया था और धीरज सर का फोन मेरे पास लगभग 4 बजे आया। आपने कहा आपका टिकट करा रहा हूँ, चुनाव की तैयारी कर दें। और शाम को 7 बजे आपने कहा आपने कागज भेज दें व्हाट्सएप पे। 15-20 मिनट के अंदर टीवी के लोगों ने कहा पट्टी चल गई राकेश राठौर की सीतापुर लोकसभा। आपका ये जो उपकार है, आपका जो एहसान है, ये मेरा परिवार, मैं मेरा परिवार, मेरे इष्ट मित्र के साथ साथ मेरा पूरा तेली समाज, पूरा उत्तर प्रदेश का तेली समाज हमेशा आपके इस उपकार का ऋणी रहेगा। और कभी सम्मान के रास्ते में अगर खून का कतरा भी हम लोगों का लगाना पड़े तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप यहाँ आए, आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिला, हमारे समाज को मिला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार। मुख्य वक्ता दिनेश सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाति जनगणना को जरूरी बताया और लखीमपुर खीरी के निघासन में हुई घटना का जिक्र करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप सीतापुर के और भी जो यहाँ पे नागरिक प्रतिनिधि लोग मौजूद हैं, उन सभी लोगों को मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई कि आप लोगों ने एक ऐसा सांसद चुना जो अपने बीच का अपने जैसा है। मंच पर बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि, हमारे प्रभारी, हमारे प्रिय राष्ट्रीय सचिव प्रियंका गांधी जी के विशेष दूत, जो आज कल इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं कि व्यस्तताओं के बीच से मुझे तो मुश्किल ही लग रहा था कि वो आ पाएंगे। मुझे लगता है कि रात में सो भी नहीं पाए होंगे, लेकिन आपका प्यार उनको खींच लाया है। तो मैं नीरज जी को अपने जो हमारे विशेष तो बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप वहाँ आए और हम लोगों की इच्छा पूरी। मंच पर बैठे हुए हमारे प्रिय साथी दोस्त छोटे भाई, आपके प्रिय सांसद राठौर जी, क्या ही बोले, जो रिश्ता उनसे बना थोड़े ही दिनों में, कहने की ज़रूरत नहीं, वो वक्त के साथ और लोगों को और भी दिखाई देगा। क्योंकि हम लोग जिस राह पे चले हैं, मंच पे बैठे हुए और लोग भी हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष उत्तर सरस्वती जी, ममता जी, दीपा जी विश्वास से आए हुए बहुत सारे हमारे साथी अंसारी जी, बहुत लोग जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सब लोग माफ़ करेगा। हमारे साथ आए ज्ञानेश शुक्ला जी, रुद्र दमन जी, छोटे भाई प्रभाकर और दान भी आए हैं और बहुत सारे लोग हैं मंच पे बैठे हुए, सभी सम्मानित लोगों का बहुत बहुत आभार। तो मुझे एक ये बात कहनी है जो मुझे कहना चाहिए यहाँ पे कि एक इतिहास जो है आपसे जुड़ा हुआ है। एक इतिहास यहाँ पे लिखा गया था कि 4 अक्टूबर को एक घटना हुई थी, 3 अक्टूबर को एक घटना हुई थी लखीमपुर में कि आपके लखीमपुर के जो गृह राज्य मंत्री हैं आशीष मिश्रा जी के बेटे ने
यहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा था लखीमपुर में, और उनके बेटे ने किसान जो जा रहे थे उनको अपनी गाड़ी से नौ दिया था, जिससे चार किसान मारे गए थे, पत्रकार भी मारे गए थे, और एक बहुत बड़ी घटना थी हिंदुस्तान में। इतना क्रूरतम कि किसान रास्ते से जा रहा हो और किसी मंत्री का बहसी बेटा, कितना उसके अंदर घमंड और उन्माद होगा, कितनी क्रूरता होगी कि वो आगे जाते हुए आंदोलनकारी किसानों को नौत दे। ये बात पूरे भारत में दौड़ गई, ये घटना रातों रात पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। वो तीन काले कानूनों के खिलाफ जो दिल्ली में लड़ाई हो रही थी उसके समर्थन में जा रहे थे। जानते हैं क्या हुआ था उस रात में? जैसे इस घटना की जानकारी हुई हमारी महासचिव प्रभारी उस समय की प्रियंका दीदी को, प्रियंका गांधी को, उन्होंने कहा कि मैं लखीमपुर जाऊंगी, और उन लोगों से जो वास्तव में जिनके शोक का कोई वो नहीं था, मतलब वो कितने टूट चुके होंगे वो लोग जिनके परिजन उसमें दबा दिए गए थे गाड़ियों से, आप समझ सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार, मुझे लगता है कि वो 11 बजे आई होंगी, धीरज सर को याद होगा, हमारे बहुत सारे साथियों को याद है, वो रात ऐसी रात है कि शायद वो अगर दस्तावेजीकृत की जाएगी तो पूरा एक आख्यान बनेगा। 11 बजे लोग लखनऊ में घर से निकलती हैं, भीषण बारिश हुआ रहती है और आनंद फानंद में कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं और निकल पड़ते हैं। हर जगह बैरिकेडिंग है, कोई ऐसा टोल नहीं है, बैरिकेडिंग है, SP SSP सारा पुलिस फोर्स रास्ते में लगाया जा चुका है, लेकिन उनका ये संकल्प था कि मुझे पहुंचना है उन पीड़ित परिवारों के पास जिनके साथ घटना हुई है। वो पूरे लोग रोके जाते हैं, कोई चौराहे से जाता है, कोई चक्रोड से जाता है, कोई किधर से जाता है, उनकी गाड़ी जिसके बेटे ढोंडा जी थे, संदीप सिंह जी थे, जो भी लोग थे, वो गाड़ी कहां कहां से होते हुए बाद में जगह पे अरेस्ट कर ली जाती है। और आपके यहीं पे सीतापुर में जो PSC का कैंप है, वहां पे 3 दिन हमारी बहन प्रियंका गांधी जी को कैद कर रखा जाता है। और ये दमनकारी सरकार जिसके खिलाफ सबसे पहली आवाज मुझे लगता है कि हमारे राकेश राठौर जी ने बुलंद किया था, जो उनके खिलाफ आवाज उठाई थी और भाजपा का रास्ता छोड़ा था और जनता का रास्ता छोड़ा था, सरकार का रास्ता छोड़ा था, उस सरकार ने प्रियंका देवी को 3 दिन तक कैद रखा। लेकिन उनका संकल्प था कि हम लखीमपुर जाएंगे और उन पूरे परिवारों से मिलेंगे और उनके साथ अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। आप जानते हैं इस सरकार को झुकना पड़ा और वो इतिहास जो यहाँ सीतापुर में लिखा गया। और प्रियंका दीदी अगले दिन, तीसरे दिन राहुल जी भी आ गए और बहुत सारे हमारे मुख्यमंत्री जो यहाँ पे आना चाहते, 36 साल के मुख्यमंत्री और पूरे देश से हमारे नेता यहाँ पर आने लगे थे और वहाँ पे गई लखीमपुर शाम को तीसरे दिन, और उन परिवारों से, उनके परिवारों के साथ उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ जब तक उनको आपको न्याय नहीं मिल जाता है। तो एक राष्ट्र ये है आपके साथ, इतिहास जुड़ा हुआ। आप जानते हैं आपने 2024 में आपने यहाँ पे सांसद बनाया है, ये भी एक समय की मांग थी। आप जानते हैं मैं अयोध्या से आता हूँ, अयोध्या बिहार में, आप सीतापुर के हैं, सीतापुर बिहार में, अयोध्या राम की नगरी आप सीतापुर नगर के लोगों ने है, आपने न्याय किया है, आपने भविष्य के लिए हिंदुस्तान के एक नया रास्ता चुना है। राहुल जी के बारे में आपको जानना चाहिए, राहुल जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ, राहुल जी ने हिंदुस्तान को बदलने का रास्ता चुना है, सामाजिक न्याय का रास्ता चुना है, शायद वो हिंदुस्तान को बदलने का रास्ता है, किसानों मजदूरों का रास्ता है जो हिंदुस्तान के कारपोरेट घरानों के खिलाफ खड़ा हुआ है। राहुल जी ने एक मन बनाया कि हिंदुस्तान को समझने के लिए, हिंदुस्तान को नफरत से मुक्त कराने के लिए, एक हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा करना है हमको, और उन्होंने 4,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें हिंदुस्तान की चर्चा, पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई है। भले उस यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए हैं, लेकिन उसमें करोड़ों हिंदुस्तान के रूह शामिल हुई है। कोई ऐसी गली चौराहा चौपट नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान में जो इस
यात्रा में शामिल हुआ हूँ, उस यात्रा ने हिंदुस्तान को बदलने का रास्ता दिखाया है। राहुल जी ने अपने को भी बदलने का रास्ता उससे चुना है। आप जानते हैं राहुल के साथ क्या क्या हुआ? राहुल जी के साथ राहुल जी की संसद की सदस्यता छीनी गई। राहुल जी को एडीएम के दफ्तर में 50 से 60 घंटे के बीच में बैठा के पूछताछ की गई। राहुल जी का घर छीना गया, लेकिन राहुल जी ने दृढ़ संकल्प किया है, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ मुझे कोई भी इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं वह कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो रास्ता नहीं चुनूंगा। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनके सामाजिक न्याय के इस रास्ते को, जाति जनगणना को रोक सके। दुनिया की कोई ताकत है उसे रोक नहीं सकती है। राहुल जी को उस समय संसद की सदस्यता से हटाया गया जब उसी संसद में देश के हिस्ट्री सीटर माफिया बलात्कारी तरह तरह के लोग जिनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था वो लोग उस संसद में बैठे हुए थे। उस समय हमारे नायक राहुल जी की सदस्यता छीनी गई, ये मामूली बात नहीं है। उस राहुल गांधी ने इस देश को बदलने का एक जो संकल्प किया है, ये हिंदुस्तान को नया रास्ता दिखाने का जो संकल्प किया है, जो हिंदुस्तान के चंद पूंजीपतियों के हाथ में हम तो हमारे को जो अडानी और मोदी और अमित शाह का जो रास्ता है उससे इतर किसानों मजदूरों गरीब पिछड़े दलितों का जो रास्ता है, जो हिंदुस्तान का असली रास्ता है, जो हिंदुस्तान को बदलने का रास्ता है, जो हिंदुस्तान के नए भविष्य के द्वार खोलने का रास्ता है, उस रास्ते को आगे बढ़ाने का जो काम किया है। हमारा संकल्प है राकेश राठौर जैसे लोग जो संसद में आपके नुमाइंदे बन कर गए हैं, जो आवाज वहां संसद में उठ रही है, उस आवाज को आपके सड़क तक आपके खेत खलिहान तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने प्रतिबद्धता निष्ठा और समर्पण की राजनीति स्वीकार की है, आपको उनको मजबूत करना होगा। तभी आपके समाज में जो दलित पिछड़े लोग हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, न्याय मांगते लोग हैं, जो अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, उनके साथ न्याय हो पाएगा। और आप उम्मीद कर सकते हैं ऐसे ऐसे सांसद से अपने ये वक्त की मांग थी जो आपका इस तरह का नुमाइंदा आपके चुपके भेजा है। हमारे यहाँ कहा जाता है वक्त बहुत बलवान होता है, तो वक्त की पैदाइश है आपके राकेश राठौर। आप समझिए आपने कभी से चुना है, आपने राकेश राठौर नहीं, आपने कभी से चुना है। जो रास्ता आज राहुल जी ने बनाया है उस रास्ते पर हमें चलना है, वही रास्ता हिंदुस्तान का असली रास्ता होगा। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस रास्ते पर चल करके ही, मैंने यहाँ पे जब पहला सम्मेलन हुआ था राठौर जी ने मुझे बुलाया था, उस दिन मैंने कहा था कि आप जनप्रतिनिधि जब चुन के आइएगा, सांसद बन के आइएगा, ये संकल्प लीजिएगा, आप एक पिछड़े जनपद से चुन के आ रही हैं, सीतापुर एक पिछड़ा जनपद है हमारे उत्तर प्रदेश का, तो आप उसके लिए उनकी भावनाओं के साथ, आपकी जज्बातों के साथ, आपके न्याय के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी प्रगति के लिए आप निष्ठा और समर्पण की राजनीति चुनिएगा। आपको सीतापुर को भी आगे बढ़ाना है, आपको अपने समाज को ताकतवर बनाना है, आपको इसको बहुत आगे ले जाना होगा। मैं इसी बात के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बजबिहारी ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा देश में जाति जनगणना की मांग ने बीजेपी और आरएसएस की हवा निकाल कर रख दी है, इससे भाजपा और आरएसएस दोनों घबरा गई हैं। आयोजन के क्रम को लगातार जारी रखना है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि केरल में आरएसएस का बैठक चल रहा है और उसमें इसी बात पर बहस हो रही है कि इस देश में राहुल गांधी जी ने जो जाति जनगणना का सवाल खड़ा कर दिया है उससे पूरे देश में संघ संप्रदाय ने, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का जो एक खतरनाक खेल शुरू किया था हमारे देश में, राहुल गांधी के जाति जनगणना के सवाल ने उनके हिंदुत्व की हवा निकाल दी है। इससे घबराई हुई आरएसएस ने और इससे घबराई हुई भाजपा ने,
केरल में बैठक करके इस पे विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इसलिए आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो जाति जनगणना का सवाल उठाया है, इस सवाल को आपको कैसे गांव गलियारे में ले जाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि आज जो लड़ाई राहुल गांधी ने शुरू की है, सीतापुर से उसकी शुरुआत हुई है। साथ ही उन्होंने सांसद राकेश राठौर की तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। सीतापुर के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी की पुनः मैं आप सभी से आग्रह और निवेदन के साथ में कहना चाहता हूँ कि भोजन की सूची, भोजन की व्यवस्था है, कृपया आप लोग जाने से पहले भोजन करने के बाद में ही जाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि राजस्थान के पूर्व मंत्री, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय दिलीप गुर्जर साहब, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय दिनेश सिंह जी और सीतापुर के हमारे क्रांतिकारी सांसद आदरणीय राकेश राठौर जी, मंच पर बैठे हुए सारे पदाधिकारीगण और दूर दूर से आए आप सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 35 साल बाद सीतापुर में क्रांति घटी और सीतापुर लोकसभा क्षेत्र मानवाद से मुक्त हुआ। राकेश राठौर जी के रूप में हमें एक क्रांतिकारी सांसद मिला। आज जो लड़ाई पूरे भारतवर्ष में राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, उसकी ये शुरुआत है। ये शुरुआत है, ये आगाज हुआ है, लेकिन इस क्रांति को अंजाम तक ले जाना है और उस अंजाम तक ले जाने के लिए आपका हर कदम पर साथ चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से, जिस तरीके से आपने सीतापुर का मुस्तकबिल बदला है, इसी तरीके से आप हमेशा। इससे पहले सांसद राकेश राठौर व उनके भाई अनुपम राठौर ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। तैलिक समाज के लोगों से खचाखच भरे उत्सव गेस्ट हाउस में मुख्य अतिथि धीरज गुर्जर ने सांसद राकेश राठौर को अंगवस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विधाओं में योगदान दे रहे समाज के करीब आधा सैकड़ा लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में नीलकमल राठौर, रेणु राठौर, रत्नम राठौर, शशांक राठौर, यश राठौर, संप्रीति राठौर, अर्जुन राठौर, दिनेश सिंह, रामकृष्ण राठौर, अनिल नंद, पप्पू रस्तोगी, हफीज खां सहित भारी संख्या में तैलिक समाज व अन्य समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन न्यूज एंकर चेल्सी राठौर व एडवोकेट विजेंद्र सिंह राठौर ने किया। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।